आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम अपनी पिछली वीडियो में बहुफलक तथा उसकी विशेषताओं को समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ विशिष्ट बहुफलकों, प्रिज्म तथा पिरामिड को समझेंगे। अधिकांश लोग एक प्रिज्म के बारे में सोचते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखता है, परंतु इसकी सही परिभाषा के बारे में उन्हें नहीं पता होता। तो आइए प्रिज्म की परिभाषा से शुरू करते हैं। प्रिज्म एक 3D यानी कि त्रिविमीय आकृति है, जिसका आधार व ऊपरी सिरा सर्वांगसम तथा समांतर बहुभुज और सभी पार्श्व फलक समांतर चतुर्भुज होते हैं। आइए कुछ आकृतियों को देखें और प्रिज्म को समझें। यहां इस त्रिविमीय आकृति को देखिए, यहां कुछ रेखाएं बिंदीदार हैं। ये वे रेखाएं हैं जिन्हें इस दृश्य से नहीं देखा जा सकता है। इस आकृति के आधार व ऊपरी सिरे को देखिए, ये आधार व ऊपरी सिरों के साथ एक लंबी आकृति है। आइए अब इसके आधार व ऊपरी सिरे को इस तरह एक रंग देते हैं। हम देख सकते हैं कि इस आकृति के दोनों सिरे त्रिभुज हैं और इसके तीनों पार्श्व फलक आयताकार हैं, एक ये सामने, एक पीछे और एक नीचे। आइए प्रिज्म की परिभाषा को एक बार फिर देखते हैं, जो कहती है कि आधार व ऊपरी सिरा सर्वांगसम तथा समांतर बहुभुज होते हैं। इस आकृति के आधार व ऊपरी सिरा सर्वांगसम हैं और समांतर बहुभुज हैं। साथ ही परिभाषा से हम जानते हैं कि सभी पार्श्व फलक समांतर चतुर्भुज होते हैं और इस आकृति में सभी पार्श्व फलक समांतर चतुर्भुज हैं। वैसे ये एक त्रिकोणीय प्रिज्म है, यहां एक और तीन आयामी आकृति है। हम देख सकते हैं कि इसमें आधार व ऊपरी सिरे आयत हैं, जो एक दूसरे के समांतर हैं और इसके सभी पार्श्व फलक आयत हैं। ये एक आयताकार प्रिज्म कहलाता है, जिसे हम घनाभ के नाम से भी जानते हैं। अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि प्रिज्म का नामकरण उनके आधार व ऊपरी सिरे के अनुसार किया जाता है। जैसे कि इसके सिरे त्रिभुज हैं, इसलिए ये त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय प्रिज्म है। इसके सिरे आयत हैं, इसलिए ये आयताकार प्रिज्म है। इसके सिरे पंचभुज हैं, इसलिए ये पंचभुजाकार प्रिज्म है। इसी तरह आप भी किसी प्रिज्म के आधार व ऊपरी सिरे के अनुसार प्रिज्म का नाम ज्ञात कर सकते हैं। क्या बेलन एक प्रिज्म है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसके आधार व ऊपरी सिरे वृत्त हैं और एक दूसरे के समांतर हैं, परंतु बेलन के सिरे वक्रीय हैं, अर्थात बहुभुज नहीं है, इसलिए ये एक प्रिज्म नहीं है। अब बात करते हैं पिरामिड की। पिरामिड क्या है? पिरामिड सुनने पर शायद सभी को मिस्र का पिरामिड याद आता होगा, लेकिन ये पिरामिड का एकमात्र प्रकार नहीं है। मिस्र के पिरामिड कुछ इस तरह दिखते हैं। इसमें चार शीर्ष हैं, जिन्हें हम ए, बी, सी व डी नामांकित कर देते हैं। इस ठोस का सिर्फ एक आधार है, जो एक त्रिभुज है। इसके तीन फलक हैं और तीनों ही त्रिभुज हैं, एक दाईं ओर, एक बाईं ओर और एक पीछे। ये एक त्रिकोणीय पिरामिड है, क्योंकि इसका आधार एक त्रिभुज है। यहां एक और ठोस आकृति है, जिसका आधार एक वर्ग और अन्य सभी फलक त्रिभुज हैं। आप देख सकते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक त्रिभुज है। ये ठोस एक वर्गाकार पिरामिड है, क्योंकि इसका आधार वर्ग है। तो अब हम पिरामिड को किस तरह परिभाषित कर सकते हैं?
पिरामिड वो ठोस आकृति है जिसका एक बहुभुजीय आधार और अन्य सभी फलक त्रिभुज होते हैं। पिरामिड को उनके आधार के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। याद रखें, किसी पिरामिड में आधार के अतिरिक्त सभी फलक त्रिभुज होते हैं। आज इस वीडियो में हमने प्रिज्म तथा त्रिभुज की पहचान करना सीखा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।